समाजवादियों ने बहुत करीब से देखा है। जनेश्वर मिश्र जी ने पूरा जीवन समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। जनेश्वर मिश्र जी उस पीढ़ी के नेता हैं जिन्होंने आजादी के बाद किसान, गरीब, मजदूर, शोषित, वंचित और हर वर्ग के लोगों को कैसे उन्हें सम्मान का जीवन जीने को मिले, उन्हें कैसे आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से सम्मान दिलाने का काम करें, समाजवादी सिद्धांतों को गैर बराबरी के खिलाफ और जाति भेदभाव के खिलाफ उन्होंने न केवल समाज को एकजुट करने का काम किया बल्कि उस सिद्धांत को आगे बढ़ाने का काम और हम नई पीढ़ी के लोगों तक देने का काम किया। उनका जीवन भर संघर्ष रहा और जब कभी भी वो सरकार में ऊंचाई पर पहुंचे उन्होंने अपने जीवन का सादा जीवन और अपना व्यवहारिक जीवन जो सब लोगों को जोड़ के रखते थे कभी नहीं दूर किया। और हमें याद है कि 5 अगस्त के दिन जो उनका घर दिल्ली में था उस घर के बाहर उन्होंने लोहिया के लोगों का लेकर के एक तख्ती लगाई हुई थी और उस दिन पूरे प्रदेश और देश के लोग उनके घर जाकर के उन्हें बधाई और मुलाकात करते थे। वो ऐसा संगम होता था जहाँ पर साहित्यकार, कवि, इंटेलेक्चुअल या समाज के हर वर्ग के लोग आकर के वहाँ मिलते थे और समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र जी के उनके काम और उन्होंने जिस तरीके से हर वर्ग के लोगों को जोड़ के रखा और उसी का परिणाम यह है कि आज भी समाजवादी आंदोलन जीवित है। इसको आगे बढ़ाना आज सबसे बड़ा, जब हम लोग जनेश्वर मिश्र जी को याद कर रहे हैं तो ये संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि समाजवादी आंदोलन को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे।